हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप लोग को नया ब्लॉग मिला है। तो ये देखिए हम लोग का विलेज है और ये झील है, छोटा सा झील है और यहाँ पे ये रोड है इस साइड में। और ये एक बार इधर बाढ़ आया था फ्लड, तो उसके बाद झील बन गया है। और अभी हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, ये मॉर्निंग राइड पे निकले हैं हम लोगों का। यहाँ पे BMW आप लोग देख सकते हैं, देखिए BMW। और ये मेरा फ्रेंड है और इधर आप लोग को सीन दिखा देते हैं थोड़ा। ये आप लोग सीन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सीन है। तो चलिए आप लोग को आगे ले चलते हैं, आगे घुमाते हैं। तो चलिए हम लोग BMW पे सवार हो जाते हैं, उसके बाद से फिर चलते हैं। तो देखिए हम लोग का BMW चल पड़ा है, तो चलिए आगे आगे आप लोग को दिखाते हैं। देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए मौसम, कुछ बारिश का मौसम लग रहा है, ये बारिश होने की संभावना है। तो हम लोग धीरे धीरे पुल पे चढ़ रहे हैं और यहाँ पे मुझे उतर के चढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग उतर जाते हैं और इस साइड भी पुल है छोटा सा, वहाँ पे भी पुल था। देखिए ये पुल है और ये हम BMW से उतर गए हैं और मैं इसे प्यार से BMW बुलाता हूँ। और ये छोटा सा पुल है, तो इस पुल के ऊपर चढ़ने के बाद फिर से हम लोग वहाँ से नीचे की ओर स्लाइड करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा यहाँ पे बहुत ही हरियाली है, यहाँ पे बहुत ही स्वच्छ हवा आता है। और आगे आप लोग यहाँ से 3-4 किलोमीटर पे नेपाल का बॉर्डर है और मैं नेपाल की बॉर्डर की ओर जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं घूम जाऊँगा, आप लोगों को सैर कराते हैं पानी का। और इधर खेती बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में खेती होती है, तो वो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। इस साइड देखिए, इस साइड थोड़ा पानी लगा हुआ है और इसके बाद फिर से खेती होगा इधर पानी सूखने के बाद। और इस साइड देखिए आप लोग, ये ब्रिज के नीचे बहुत ही ज़्यादा पानी बह रहा है और इस साइड खेती का फील्ड है। चलिए आप लोग को नीचे ले चलते हैं ब्रिज पर से। और ये देखिए हम लोग ब्रिज से नीचे आ रहे हैं और ये बाइक वाला हम लोगों से आगे निकल गया है। और इस साइड भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पेड़ पौधा लगा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा। और ये बारिश के कारण इधर जल जमाव हो गया है। और इस साइड भी आप लोग देख सकते हैं, इस साइड भी बहुत ही हरियाली दिखने को मिलेगा आप लोगों को। और ये हम लोगों का गाड़ी अभी अपने आप चल रहा था, उस ऊँचाई से हम लोग ढलान पर आए हैं। तो यही है, और यहाँ पे देखिए एक दो दुकान है बीच में टाइल्स मार्बल के। और ये बीरपुर से भीमनगर की ओर का रास्ता है और इसमें कुछ कुछ घर बनने का तैयारी चल रहा है। और ये देखिए दुकान, बाहर में मार्बल सब पड़ा हुआ है। और इधर देखिए आप लोग गाय, देखिए भैंस। और ये केला का बगान है, बहुत ही बड़ा एरिया में है केला का बगान, आप लोग को दिख रहा होगा। और ये इधर कुछ एक पेड़ गिर गया है तूफान के कारण, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक पेड़ गिरा हुआ है। और ये बहुत ही फेमस होटल यहाँ का है राधा कृष्णा, जिसे हम लोग प्यार से लालू होटल बोलते हैं। और ये बहुत ही बड़ा होटल है, एक तरह से ढाबा कह सकते हैं, इसका 2-3 ब्रांच है। और पीछे से एक बस आ रहा है जो कि इधर से सहरसा की ओर जाता है, दरभंगा की ओर। और ये देखिए कुछ गांव के लोग यहाँ पे रहते हैं जो सवेरे उठ जाते हैं। तो चलिए हम लोग आप लोगों को थोड़ा आगे दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बस आगे का रास्ता आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से, तो यही है। और इस साइड कुछ यहाँ पे काम चलता है, तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये बारिश के कारण बहुत ही पानी भर गया है, एक तरीके से हम लोग इसे छोटी सी झील कह सकते हैं, एक झील बन गया है बारिश के पानी के कारण। और ये घर उजर गया है और यहाँ पे देखिए कुछ काम चल रहा है जिसमें कि बहुत ही पानी लग गया है, जिसके कारण ये लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रहा है। और इस साइड कुछ लोगों का घर है, तो यहाँ पे कुछ लोगों का घर है। और यहाँ पे फिर से आप लोग देख सकते हैं
इधर खेती होता है, इसीलिए ट्रैक्टर सब लगा हुआ है। और आगे ये रोड खराब है थोड़ी दूर तक, फिर उसके बाद सही बन जाता है। और इधर ये कुछ बनने का तैयारी चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कब तक बनेगा। 4 साल से तैयारी चल रहा है अभी तक। ये चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इस एरिया में बहुत ही तगड़ा हरियाली है, बहुत ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए पेड़, बहुत सूखा हुआ पेड़ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को आगे का रास्ता दिखाते हैं। अभी पूरा रोड सुनसान है क्योंकि ये सुबह सुबह का वक्त है, जिसमें बहुत ही कम लोग जागते हैं। और इस साइड में आइए, आप लोगों को इस साइड पूरे हरियाली दिखेगा। इस साइड आप लोग देख सकते हैं, और इस साइड में यहाँ पे ईंट का काम चलता है, ईंट बनता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सामान सब मिलता है।